पबजी पहले खेलता था, अब नहीं खेलता, बन चुके हैं और काय के लिए भी जैसा बनेगा, आखिरी बार और होगा, आखिरी बार और होगा, तो भंडारा चल रहा है क्या, बार 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 क्या चल रहा है, दो बार में जीत गया कुछ मतलब क्या। है गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, भाई आप सब स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो गाइस अभी जो टाइम हो रहा है गाइस वो हो रहा है 3:30 बज चुके हैं और जस्ट अभी जॉब से फ्री होकर डायरेक्ट आ चुका हूँ ये बाड़े के अंदर और गाइस यहीं से ही वीडियो बना रहा हूँ अभी का। गाइस जस्ट अभी काम पर से आया हूँ, ठीक है गाइस अब देखते हैं और क्या क्या सीन बनता है हमारा, जो भी सीन बनेगा आपके साथ शेयर करूँगा। अपने कौन से पैसे लगते हैं गाइस, अगर कोई मेरे से बोले तो मैं उसका भी चैनल सब्सक्राइब कर सकता हूँ। अपने बाप का कौन सा पैसा जा रहा है, एक बटन दबाने में पैसा जाता है किसी का बाप का, किसी का नहीं है, दबाना चाहिए यार, कोई दबाते नहीं है यार, इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, इतनी मेहनत करते हैं यार, कितने एडिटिंग में 2 घंटे लग जाते हैं, वीडियो शूट करने में 2 घंटे उसमें लग जाते हैं, फिर उसको अपलोड करने में 10-15 मिनट लग जाता है, बहुत सारी मेहनत लगती है, पर आप तो दिन भर निकल जाता है। बाकी यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें यार। अभी लाइन से देख सकते हैं आप, मैं सबसे बड़ा हूँ तो मैं सबसे आगे हूँ, मेरे से छोटा भाई है तो भाई मेरे बाद में खड़ा हुआ है, फिर इससे छोटा ये है, उससे छोटा वो है, उससे छोटा वो है, उससे छोटा वो है, और हमने ले लिया लाइन से पत्थर। तो अभी देखते हैं गाइस किसका पत्थर तलाव के आगे जाने वाला है, और जो जीतेगा उसको हम 10 रुपये इनाम देंगे, उसका पत्थर आगे जाने वाला है और कौन जीतता है, ये कौन जीतता है, ये बैट कौन जीतता है देखते हैं। सब अपना अपना पत्थर ले लो रे हाथ में, ले लिया, तीन बोलूंगा ना, तीन बोलने के बाद ही तलाव में पत्थर फेंकना है। एक पोजीशन चेंज, दो पोजीशन चेंज, तीन तको बाप आ रहे, सब तो आ गए, तको बाप ये तको बाप ये तको बाप आ रहे भाई, राजो मैं मिठाई ले रहा हूं गाइस, ये बैट हम जीत चुके हैं, मिठाई ले रहा हूं मेरे बाद ये भाई जीता है फिर बैट, तो अभी हम कहीं पे हैं, मैं फिर मैं नहीं कीजिए फर्स्ट पे बोलूं, सेकंड दूसरे पे, अगर तुम्हारा पीछे रह गया था सेकंड हैं, चलो सेकंड पे भाई, थर्ड कौन जो दोबारा पागल आ जाओ लम्मा धोनी, फिर देखा मालूम ना खड़ी होने आ गए तुझे मूछो और जो खड़ी होने जाता, दोनों की बैठ लगवाओ जा। तो दोस्तों अभी इन दोनों की बैठ लगवाते हैं, और ये भाई का नाम है रोहन और इसका नाम है हर्ष, और अभी दोनों के हाथ में देते हैं पत्थर, अभी देखते हैं कौन जीतता है इनमें से, और बैट जो जीतेगा उसको 10 रुपये इनाम देंगे हम। तो पत्थर उठा लो हाथ में भाई, तो एक दो तीन बोलूंगा ना तो पत्थर फेंकने वाला हूं मैं, अभी सही घुमा रहे, एक दो तीन गो, रोहन भैया को, रोहन भैया को कुकड़ियो मारो। तो गाइस ये बैट जीत चुका है भाई रोहन, और रोहन को अभी 10 रुपये देने वाले हम, 10 रुपये नाम देंगे भाई को बैट, और ये भाई का नाम है रोहन और भाई का नाम है अर्श, और ये दोनों अभी इन दोनों के हाथ में दे दिए हमने पत्थर, ये देख सकते हैं आप इनके हाथ में पकड़ा दिया हमने पत्थर, और जो भाई जिसका पत्थर आगे जाएगा वही इस बैट में जीत पाएगा और उसको 10 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो अभी देखते हैं, जैसे ही गाइस मैं एक दो और तीन बोलूँगा ठीक है, तो आपको पत्थर फेंकना है और जिसका पत्थर आगे जाएगा विनर वही विजेता वही घोषित करा जाएगा ठीक है। तो बोलता हूँ मैं, एक कन्हैया देखियो रे, दो देख, तीन, ये जा रहा हूँ उनका भंडारा चल रहा है बार बार चल रहा है, दो बार में जीत गया कुछ मतलब क्या। आज के लोग में भाई विजेता रहा है, और ये कौन सी क्लास में पढ़ता है, 8th में, कौन से स्कूल में जाता है वो, ये अभी ज्योति भाई का स्कूल में, फालतू कमेंट नहीं बेटा, जो भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय था उसका चेंज होकर नाम अभी महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल हो चुका है, तो उसमें हम जाते हैं, यहाँ पे ही है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसका भी नाम चेंज हो गया तो महात्मा गांधी स्कूल हो गया, महात्मा गांधी स्कूल हो गया मतलब इंग्लिश मीडियम हो गया, इंग्लिश मीडियम हो गया, तो 1 से 8 तक मतलब, तो आप इंग्लिश मीडियम में जाते हो मतलब। तो दोस्तों जो सरकारी स्कूल है उसको अभी इंग्लिश मीडियम भी घोषित कर दिया है, और ये भाई इंग्लिश मीडियम में ही कच्चा क्या क्या करते हो आप, टाइम आपका टाइम है, मुझे ज़्यादातर गेमिंग में इंटरेस्ट है, ज्योति को गेमिंग में, हाँ तो गेम कौन-कौन से खेलते हो आप, एनी गेम जो भी मिला वही, बहुत मैंने ज़्यादातर पैसे वाला गेम खेलना करता हूँ, मतलब
कुछ भी पैसे से जेल में कोई ना और पीता वाला गेम खेलना उसमें अर्निंग होती हो और जो पैसे से खरीदा जाता है प्ले स्टोर पे जो पैसे से मिलता है वही गेम खेलता हूँ। जैसे कि अभी माइनक्राफ्ट है, फ्री फायर तो पहले खेलता था, अभी खेलता हूँ मगर नॉर्मल वगैरह भी खेलता हूँ। पबजी पहले खेलता था, अब नहीं खेलता मगर दोस्तों। और माइनक्राफ्ट जो 650 रुपए का गेम है अभी मतलब अभी नॉर्मल में वो 650 रुपए का अर्निंग भी देता है। अर्निंग वर्निंग नहीं, बस ओनली मजा, ओनली एंटरटेनमेंट के लिए। तो दोस्तों मगर मैं उसमें कुछ भी पैसे नहीं लगाता, गूगल से लिंक निकाली उसमें से निकाल के खेल लो, उसमें से खेल लो। तो दोस्तों ये भाई अर्श नाम है इसका, और ये इसकी जो रुचि है वो गेमिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा रुचि है, वो भी जो इसकी है वो गेमिंग रुचि गेमिंग में है। और पापा क्वार्टर तो पिका है नहीं हो खरा, इसके पापा का क्वार्टर इंग्लिश मास्टर का है याद है। गाइस वो जो बच्चे को देख सकते हैं आप, वो है मंटा जो कि एक नंबर का घंटा आदमी है, दारू पीता है फुल फुल, उसके पापा का क्वार्टर पी लेता दिन भर। गलती से क्वार्टर वाटर तो नहीं पिया था पापा को। और ये लाइन देखिए आप, ये लाइन डल चुकी है इधर अभी, और यहाँ पर अभी रोड बनने वाली है, पक्की रोड, पक्की सड़क का निर्माण होने वाला है। ये जो आप देख सकते हैं ये मिट्टी डली हुई है, इस पर पक्की सड़क बनने जा रही है, तो काफ़ी अच्छा माहौल बनने वाला है। और यहाँ उस साइड में बनने वाला है नाला, और इस साइड बनने वाली है रोड। तो ठीक है गाइस, आज के व्लॉग में, आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। कोशिश ये रहेगी कि आपके लिए मैं डेली एक नया वीडियो ला सकूं, और जो भी हमारे गांव की लाइफ है और जो भी हमारी देसी लाइफ है उससे रिलेटिव मैं वीडियो डेली अपलोड कर सकूं, डेली हमारे गांव से रिलेटिव और हमारे लाइफ से रिलेटिव एक वीडियो ला सकूं। तो ठीक है गाइस, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी बच्ची भी आ गई है यहाँ पर, तो ये भी अभी पत्थर वत्थर फेंकने के लिए आ गई थी यहाँ पर। तो ठीक है गाइस, आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखना यार, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए ऐसे दिल से वीडियो हम बनाते रहेंगे और लाते रहेंगे, हमारी जो भी गांव की देसी स्टाइल है और देसी लाइफ है, जो भी मेरी लाइफ से रिलेटेड जो भी सीन बनेगा गाइस वो मैं आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।